मंगलवार को शारदीय नवरात्र की नवमी के अवसर पर जहां हर घर मंदिरों में हवन पूजन किया जा रहा है, वहीं रविवार को अचानक सपा संरक्षक मुलायम सिंह की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही ये खबर सपा कार्यकर्ताओं समेत अन्य दलों के नेताओं को लगी तो धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया। कहीं हवन पूजन हुआ तो कहीं हनुमान चालीसा का जाप किया जाने लगा तो कहीं नेताजी की सलामती के लिए दुआ के हाथ उठे। तो वहीं औरैया जिले में सपा संरक्षक के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने रामनवमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। माननीय मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, संरक्षक हैं और इस प्रदेश में ही नहीं हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों का उन पर आस्था है। उन्होंने बहुत मदद की, दैले सोचे पीड़ित हर वर्ग की, हर समाज का वर्ग की मदद करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं जहां धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के लिए दुआएं और प्रार्थना ना की जा रही हो। सैफई से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक हर छोटे छोटे शहर कस्बों में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। माननीय मुलायम सिंह जी एक ऐसे नेता है जनपद के, प्रदेश के और देश के स्तर पर कि जिन्होंने आम जन की समस्याओं को दूर करने का पूरे जीवन भर काम किया। 1967 में पहली बार जसवंत नगर से विधायक बने। यदि सैफई में उन्होंने 20 रातें गुजारी तो 10 रातें औरैया नगर में बैस परिवारों के यहाँ गुजारते थे। औरैया के लोगों का उनसे बहुत जुड़ाव, चाहे वो किसी दल के लोग रहे हों, राजनीतिक क्षेत्र के किसी दल के लोग रहे हों, सब नेताजी को तारीफ करते रहे और उन्हें यहाँ तक धरती पुत्र से लेकर जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, ऐसे ऐसे विशेषणों से उन्हें सम्मानित किया गया जो किसी इस देश में और किसी अन्य नेता के नाम के आगे वो विशेषण नहीं लगाए गए। वहीं बात अगर औरैया की करें तो ये जिला उनके लिए और भी खास बन जाता है क्योंकि मुलायम सिंह की दूसरी शादी औरैया के विधुना में साधना गुप्ता से हुई थी, जिसके बाद यहाँ से उनका एक अलग लगाव है और यहाँ के लोगों के लिए उनका प्रेम बढ़ा। मुलायम सिंह 4 दफा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इन 4 कार्यकाल में उनकी पत्नी ने क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए। 2 महीने पहले पत्नी साधना गुप्ता की मौत के बाद सपा संरक्षक टूट से गए थे और अकेले भी पड़ गए थे। वैसे धरती पुत्र के नाम से पुकारे जाने वाले मुलायम सिंह के प्रति कार्यकर्ताओं के इतने लगाव का कारण ये भी है कि 4 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कभी पुराने कार्यकर्ताओं के प्रति उनका लगाव कम नहीं हुआ। Thank you.